एक बंदर की नसबंदी का खर्च कितना होगा? हम कहें कि वन विभाग ने एक बंदर की नसबंदी पर 60 लाख रुपए खर्च कर दिए तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही चौंक जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कहानी कुछ ऐसी ही है। 6 साल पहले 60 लाख रुपए में मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर बनाया गया। सेंटर में अभी तक सिर्फ एक बंदर की नसबंदी हुई है और ये पूरी तरीके से कबाड़ हो चुका है। सेंटर बंद है और बंदर लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। कैसे बंदरों के नाम पर हुई है लाखों रुपए की बंदर बांट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायगढ़ में बंदरों का उत्पात, कब मिलेगी बंदरों से निजात? रायगढ़ में बंदरों ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। सड़क पर बंदरों की चहलकदमी हो, घरों पर बंदरों की उछल कूद हो या फिर खेती बाड़ी के अंदर भी बंदर ही बंदर नजर आते हैं। लेकिन बंदरों की रोकथाम के लिए कोई कवायद जमीन पर दिखाई नहीं देती। 6 साल पहले बंदरों की नसबंदी के लिए मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर खोला गया था, जहाँ नसबंदी तो नहीं हुई लेकिन ये सेंटर ही कबाड़ हो गया। संख्या को रोकने के लिए रायगढ़ में मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर का निर्माण किया गया था। लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ बंदरों की नसबंदी होने थी, उसी की तस्वीर आप लोगों को दिखाने हैं कि किस प्रकार से जो मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर है वो कबाड़ में तब्दील हो रहा है। जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ बंदरों की नसबंदी होनी थी, जहाँ बंदरों की इलाज भी होनी थी और वो खुद अपने इलाज की बाट जो रहा है। ये सेंटर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ बंदरों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उनकी नसबंदी करा दी जाए, बीमार बंदरों का इलाज किया जाएगा। लेकिन आज ये सेंटर बीमार खुद नजर आ रहा है, जिसे खुद इलाज की जरूरत है। अब एक नजर में इस पूरी कवायद को भी समझ लीजिए। मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर क्या है ये भी जानिए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया था। 60 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ। 6 साल पहले ये सेंटर बनकर तैयार हुआ। अब तक सिर्फ एक ही बंदर की नसबंदी हुई और कबाड़ हो गया ये स्टरलाइजेशन सेंटर। यानी 60 लाख रुपए सिर्फ एक बंदर की नसबंदी पर खर्च हो गए और अब सेंटर की हालत ऐसी है कि वो किसी काम का नहीं है। जबकि रायगढ़ के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ बंदरों ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। बंदर लोगों को घायल कर देते हैं, घरों से सामान उठाकर ले जाते हैं, खपरेल छतों पर इतनी उछल कूद करते हैं कि पूरा छप्पर ही टूट जाता है और अब लोग मजबूरी में महंगी सीमेंट की चादरें छत पर लगा रहे हैं। यहाँ पर दुकान है, दुकान में या होटल में जैसे है, पूरा थोड़ा सा भी नहीं देखोगे तो पूरा डब्बा डब्बा चॉकलेट को उठा के ले जाते हैं, है ना, या कुरकुरे सुरकुरे को पूरा उठा ले जाते हैं। सब्जी उब्जी माने घर का भी माने जो भी खाना उना रखे रहते हैं पोलिथीन में, उसको लेके सब भग जाते हैं। दुकान उकान माने इतना तबाही है कि जरूरत से ज्यादा है। बंदरों की वजह से यहाँ के लोगों ने सब्जियों की खेती करना छोड़ दिया है। बंदर सब्जियों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं, खेतों और बाड़ी में पहुँचकर सब्जी और फलों को बर्बाद कर देते हैं, जिसका नतीजा है कि कभी बाजारों में सब्जियां बेचने वाले किसान अब खुद सब्जियां खरीद कर खा रहे हैं। और हम लोग का बहुत फसल का नुकसान हो गया है बंदर लोग की वजह से। मौसम्बी का अंदर जो पेड़ है उसका पूरा खा लिए हैं, अब इसको भी चालू किए हैं खाने के लिए। बहुत नुकसान होता है, इसीलिए हमारे यहाँ किसान लोग अब खेती बाड़ी करना, सब्जी उगाना ये सब छोड़ चुके हैं बंदर के डर से। खपरा निकाल के एल्वेस्टर लगाए हैं, अभी बंदर बहुत ज्यादा है। और साग सब्जी जैसे टमाटर भाटा ये बाड़ी मतलब घर बाड़ी में लगा था, सब खा जाते हैं। और पपीता मुनगा ये सब नीच बचा थे एकदम से। बंदर के नसबंदी होना चाहिए, बहुत आतंक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी बढ़ गई से मन के। इधर रायगढ़ वन मंडल की DFO भी मानती है कि इंदिरा विहार में बनाया गया स्टरलाइजेशन सेंटर इसलिए बनाया गया था कि बंदरों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए। लेकिन ये सेंटर कभी चालू होगा, इसका माकूल जवाब उनके पास नजर नहीं आया। हालांकि उम्मीद जताने का काम तो वो कर रही है। ये रिन्यूअल की कार्रवाई प्रोग्रेस पे, जैसे ही हमारा सेंटर रिन्यूअल हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे उसमें पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रहा है इसलिए हम कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमारा रिन्यूअल हो जाता है उसके बाद हम इसको पुनः स्टार्ट करेंगे। अधिकारियों का जवाब और मंकी स्टरलाइजेशन की हालत ये बताती है कि जिम्मेदारों को लोगों की परेशानियों से इत्तेफाक नहीं है। बंदरों की नसबंदी के नाम पर सिर्फ लाखों रुपयों की बंदरबांट नजर आती है और अब देखना होगा कि लोगों को बंदरों के उत्पात से निजात मिलेगी या फिर सिर्फ इसी तरह से नाकाम कवायदें चलती रहेंगी, जिससे लोगों को फायदा भले ही ना हो लेकिन अधिकारी मालामाल होते रहेंगे।
यहाँ भी बंदर पहुँचते हैं लाइसेंस सेंटर में, और यहाँ भी नुकसान जो बंदर हैं वो लगातार पहुँचा रहे हैं। गांव में ही बंदर पहुँच रहे हैं, ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं, दुकानदारों की सामान भी खींच कर बंदर ले जा रहे हैं। फिलहाल जो इस लाइसेंस सेंटर है वो विकास की बाट जो रहा है, जिम्मेदारों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं अश्विनी मालाकार।